गाइस वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अभी बज रहे हैं भाई करीब 11 बजने वाला है, बजा नहीं है। निशांत का अभी फ़ोन आया था, मैं सो रहा था कि यार मेरी दीदी के यहाँ चलो, तो अभी मैं नहा चुका हूँ और सोचा चलो अच्छा चलते हैं, थोड़ा घूम फिर आते हैं। तो अभी बाल खींचते हैं, तेल लगाते हैं और तैयार होते हैं, फिर निशांत आएगा भाई सब 11:15 बजे तक, फिर उसकी दीदी के यहाँ जाना है उन्नाव, फिर उसके बाद देखते हैं कितने बजे वापसी होती है, क्या होता है, कितनी दूर है, कहाँ है, तो वो सब तो पहुँच के ही पता चलेगा। आपको रास्ते का अपडेट देते रहेंगे और अभी बालाल खींच लें। और अभी हम सो ही रहे थे अच्छे से और फ़ोन आया, क्योंकि रात में मैं करीब नींद पड़ नहीं रही थी, तो मैं करीब सोया वही 4 बजे के करीब, तो उसका फ़ोन आया तो मेरी सुबह आँख खुली कहने लगा यार चलना है, तुम कैसे चलो चलना है तो फिर चलते हैं और चलने की तैयारी करते हैं। आज खाना बनाया नहीं है, आज भैया अपना खुद का बनाएंगे, मैं बाहर खा लूँगा और मेरा तो हो जाएगा अपना। आ रहे हैं, निशान का इंतजार कर रहे हैं। आए ले आए बोटिंग क्लब, पता नहीं क्रेन कोई कूद गया क्या, यहाँ पर लगता है कोई कूद गया है तो क्रेन से उसको बचाया जा रहा है। अच्छा नहीं, कुछ उठा रहे होंगे, ये लौंडियाबाजी हो रही है यहाँ पे, प्यार मोहब्बत लौंडियाबाजी के लिए गंगा बैराज में निशांत शर्मा से संपर्क करें, हर प्रकार की लौंडिया उपलब्ध कराई जाती है। क्या हुआ निशांत? ये तो मजाक था फिलहाल जो था, और अभी सफ़र के नज़ारे के मज़े लीजिए। गंगा जी में पानी बिल्कुल नहीं बचा है और इस बात का हम घोर विरोध करते हैं। पानी आ किधर से? उधर से आ रहा है ना, इधर से कैसे आएगा? इधर तो कन्नौज है। अच्छा कन्नौज से आता है, पता नहीं थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, पर पानी बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत बात है, बहुत ही शर्मनाक है। बरसात दो हंसों का देखिए, वो दो हंसों का जोड़ा जा रहा है अभी, नहीं यहीं पे देख लो, यहीं पे दो हंसों का जोड़ा दिख जाएगा। तो गंगा जी में डूबने के विरास में है, मतलब उनको प्यार में डूबना है, लेकिन गंगा जी में इतना पानी है उसमें डूबने को तैयार नहीं है। खैर कोई नहीं, फिलहाल झाड़ियों में मंत्र पड़े जा रहे हैं, लोग मजे लेते हुए जा रहे हैं, फिलहाल कोई टाइम लगेगा पहुँचने में। नहीं जेसीबी की खुदाई फेमस है वैसे, नहीं बता हमें अब समझ में आ गया है जेसीबी की खुदाई इतनी फेमस क्यों है। हाँ हाँ, टर्न मिलते हैं ना इस वजह से। ये ओवर ब्रिज बना रहे हैं क्या?
इतना पैसा है। फॉर्च्यूनर वाला डिस्कशन वापसी में करेंगे। तुम्हें दिलवाते हैं फॉर्च्यूनर। निशान की दीदी के यहाँ से घूम के उन्नाव गए थे तो घूम के वापस आ गए। काफ़ी मज़ा आया रास्ते में, काफ़ी मौज मस्ती करते हुए आए तो अच्छा लगा। अब लेकिन भूख लग रही है, खाने कुछ रखा नहीं, क्योंकि भैया ने मेरे बनाया नहीं अपने लिए, कह बड़ी मुश्किल से बनाया था उन्होंने। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप देखते हैं खाने की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि चावल भी नहीं रखे हैं, रोटी बनानी पड़ेगी और रोटी बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। कोई सब्जी वाला आ जाए तो पालक ले लें, आज पकौड़ी बना लें, पालक पकौड़ी और चाय। फिर शाम को देखेंगे कि क्या बनाना है, क्या करना है, अभी का काम चलना चाहिए। और चल अभी धुल के आए, पसीना ही निकल रहा फिलहाल तो, क्योंकि धूप उधर से आए थे तो इतनी ज़्यादा धूल गर्दा हो गई थी कि पूछो मत, चेहरा पूरा धूल से भर गया था। तो अभी मुँह धुला तो लगी थी बहुत तेज भूख, तो भैया गए फिलहाल अपने दोस्तों के साथ, तो हमने सोचा क्या बनाया जाए। तो ये आप तुम्हारा ये उसका क्या बोलते हैं इसको, बेसन धनिया और उसका पेस्ट है, और ये रखे हैं आलू जो कि छीले नहीं है, ऐसे ही फटाफट स्लाइस मार दी, और ये गरम हो रहा है तेल, और बनाने जा रहे हैं हम आलू की पकौड़ी। पेट भरना चाहिए फिलहाल, अभी शाम को खाना बनेगा, लेकिन तब तक वेट नहीं हो रहा था मुझे, बहुत तेज मतलब बहुत मेरा बनके तैयार है और खाते हैं। आधे बनाए मतलब आधे रख दिए हैं, भैया आएंगे तब फिर बनाएंगे। तो